आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। मध्य प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा पैरवी नहीं किए जाने के कारण हाईकोर्ट द्वारा 27% आरक्षण के अमल पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश में 52% ओबीसी आबादी को केवल 14% आरक्षण ही मिलेगा, अतः इस संबंध में 27% आरक्षण की मांग को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस पिछड़ा वर्ग संगठन द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल के निर्देशानुसार ज्ञापन प्रेषित किए गए। इंदौर में भी संभागायुक्त कार्यालय पर पिछड़ा वर्ग संगठन के शहर अध्यक्ष राजेश यादव एवं पिछड़ा वर्ग के प्रदेश महासचिव नितेश राजौरिया की अगुवाई में राज्यपाल के नाम संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में ओबीसी की जातिगत जनगणना, रिक्त पदों की भर्ती, प्राइवेट संस्थानों तथा लीज, कोटा, परमिट सभी क्षेत्रों में 27% आरक्षण एवं प्रदेश में महाजन आयोग केस की अनुशंसा को लागू करने की मांग भी की गई। ज्ञापन के पूर्व सभी कार्यकर्ताओं ने आरक्षण की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी भी की। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग संगठन के प्रदेश महासचिव नितेश राजौरिया ने बताया कि ज्ञापन का वाचन पिछड़ा वर्ग संगठन के शहर अध्यक्ष राजेश यादव ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेश चौकसे दादा, के यादव, गजेंद्र वर्मा, संतोष वर्मा, अमित चौरसिया, किशोर डोंगरे, विनोद पाल, तेज प्रकाश राणे, रमेश घाटे, दीनू नेता, पुखराज राठौर, शांतिलाल सैनी, अजय चौकसे, नीलेश सेन, दिनेश चौहान, खुर्शीद भाई, मधुसूदन भलिका सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। जो पिछड़ों की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। शिवराज कानून नहीं, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो पिछड़ों की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। ओबीसी की जातिगत जनगणना कराई जाए, जिससे शासन को सही आंकड़ों की जानकारी हो सके और ओबीसी को शासकीय सुविधा का लाभ मिल सके। यह गणना गृह मंत्रालय द्वारा कराई जाए। ओबीसी के लाखों रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए तथा वर्तमान में हो रही लाखों की भर्तियों पर रोक लगाई जाए, जिससे इन भर्तियों का लाभ 27% ओबीसी को मिल सके। ओबीसी को प्राइवेट संस्थान द्वारा लीज, कोटा, परमिट आदि सभी क्षेत्रों में 27% आरक्षण लागू जारी किया जाए। मध्य प्रदेश में महाजन आयोग केस की अनुशंसा को लागू किया जाए। सादर धन्यवाद सहित। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष राजमणि पटेल, सांसद महोदय एवं इंदौर जिले के पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष भाई राजेश यादव के नेतृत्व में से आज यहाँ पर एक 27% आरक्षण लागू किया जाए, उसकी मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। दिया गया, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की मांगों को लेकर यह ज्ञापन दिया गया? देखो क्या है, मध्य प्रदेश में 15 वर्षों बाद कांग्रेस की सरकार माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनी थी। कमलनाथ जी ने अपने विभिन्न वचन पत्रों पर काम करते हुए पिछड़ा वर्ग की जो हम लोगों की आबादी है वो करीब करीब 50% के आसपास है, तो कमलनाथ जी ने 14% से बढ़ाकर आरक्षण जो है वो 27% कर दिया था। लेकिन किसी कारणवश हम लोगों की सरकार 15 माह में गिर गई, और वो क्यों गिरी ये जनता भी जानती है और सब जानती है। लेकिन उसके बाद घोषणावीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने, जिनके संज्ञान में हमारे पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष माननीय राजमणि पटेल जी ने, कमलनाथ जी ने शिवराज सिंह जी से खुद मिलकर आग्रह भी किया कि भाई 27% पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं है। इसी कार्यक्रम में आज मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के सभी जिले और शहर में मध्य प्रदेश के इस तरीके का ज्ञापन राज्यपाल के नाम दिया जा रहा है और मांग की जा रही है कि पिछड़ों को जो 27% आरक्षण पिछली कमलनाथ सरकार ने किया था उसको शीघ्र अतिशीघ्र लागू किया जाए। माननीय श्री कमलनाथ जी की सरकार में ओबीसी के समस्त सामाजिक लोगों को, समाज के लोगों को जो आरक्षण 27% लागू किया था, उनकी सरकार जाते ही भारतीय जनता पार्टी ने दोहरी नीति अपनाते हुए
27% आरक्षण जो लागू करके गए थे कमलनाथ जी, उन्होंने 27% की जगह 14% आरक्षण देने की घोषणा की, लेकिन 14% आरक्षण भी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। आदरणीय हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद श्री राजमणि पटेल जी दादा के निर्देश के अनुसार पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन दिया जा रहा है और हम ये मांग करते हैं कि हमारा जो अधिकार है वो हमें दिया जाए। 27% आरक्षण आज हमारा जो है, आज हमारे प्रदेश की आबादी 53% है, 53% के हिसाब से हम अगर हम आरक्षण मांग रहे हैं 27% तो कोई गलत नहीं मांग रहे हैं। 27% आरक्षण की मांग हमारे पिछड़ा वर्ग के समस्त हमारे सारे पदाधिकारी, हमारे आदरणीय आज शहर अध्यक्ष विनय वाकलीवाल जी, हमारे आदरणीय राय चौकसे जी, मेरे मित्र गजेंद्र वर्मा जी और संतोष वर्मा जी और हमारी पूरी टीम, आदरणीय नितेश राजौरिया जी और हमने मिलकर जो यह ज्ञापन दिया है उस ज्ञापन के लिए हम सभी का बहुत बहुत दिल से आभार मानते हैं जो हमारे समस्त पदाधिकारी आए हैं। और हम मांग करते हैं अगर हमारा आरक्षण 27% ही दिया गया तो हमारे जो आदरणीय अध्यक्ष जी हैं वो जैसा निर्देश करेंगे उस हिसाब से हम इंदौर में काम करेंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने पिछड़े वर्ग की भावनाओं को देखते हुए 27% आरक्षण लागू करा था, शिवराज सरकार द्वारा उसे कम किया गया है। अगर उसे 27% लागू नहीं किया जाता है तो मध्य प्रदेश में जोरदार पिछड़ा वर्ग द्वारा जन आंदोलन किया जाएगा। और हमारी इस मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कम से कम पिछड़ा वर्ग की आबादी 55 से 60% है तो उन्हें उसी आधार पर, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देना चाहिए, जब इस पिछड़ा वर्ग की उन्नति होगी। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पिछड़ा वर्ग का जो 27% आरक्षण जो कमलनाथ जी लागू करके गए थे, जो पिछले पहले 14% था, पूरे मध्य प्रदेश से लेकर संपूर्ण भारत में पिछड़ा वर्ग की आबादी करीब 55 से 60% है, उस हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी पिछड़ा वर्ग सारे टैक्सों को भरते हुए, सरकार की सारी चीज़ों को मानते हुए फिर भी कहीं ना कहीं सरकार के सपोर्ट में रहता है, फिर भी 27% आरक्षण कमलनाथ जी ने लागू किया था जो सरकार को लागू करना चाहिए। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कोर्ट में अपील नहीं करने के कारण उसको कैंसिल कर दिया गया है। हमारी मांग है, प्रदेश अध्यक्ष राजमणि पटेल जी के आह्वान पर हमने आज यहाँ पर पिछड़ा वर्ग इंदौर के नेतृत्व में यहाँ पर ज्ञापन प्रेषित किया है और पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाना चाहिए, उसको बहाल किया जाना चाहिए।